गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. 10th स्टैंडर्ड. टुडे इज सेकंड पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द सेम पोएट हु हैज रिटन द फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो. एंड हियर इज फायर. यू नो द मीनिंग. फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स बर्फ. बट हियर इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम इज नॉट आग और बर्फ बट द रियल मीनिंग एंड मैसेज. फायर मीन डिजायर लोभ लालच and ice means hatred घृणा नफरत. Some say the world will end in fire. कवि कहता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो संसार में कहते हैं कि सदियों बाद यदि संसार का खात्मा होगा तो लोभ और लालच से होगा. Some say in ice वैज्ञानिकों के अनुसार यदि संसार का खात्मा होगा तो नफरत से होगा. From what I have tasted of desire कवि कहता है कि मैंने डिज़ायर लोभ और लालच से बहुत से परिवारों को तबाह होते हुए देखा. जैसे आप जानते हैं कि लोभ किसी के पास साइकिल है वो स्कूटर की लालसा करता है, स्कूटर वाला कार की लालसा करता है, कार से आगे बढ़ने की लालसा करता है. कमाई ना करके काम ना करके अधिक लालच करना उससे परिवार नष्ट होते हैं. उसी के बारे में कभी कह रहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि लोभ और लालच में संसार का समापन होगा, नष्ट होगा. अर्थात बहुत से परिवार आसपास पे आप देख सकते हैं लोभ और लालच से उन परिवारों की मनोदशा क्या है. बट इफ हैड टू परिस ट्वाइस परिस मीन होता नष्ट होना. यदि संसार को दो बार समाप्त होना हुआ. आई थिंक हेयर इज आई अगेन द पोएट आई नो अनफ ऑफ इट कहता है कि मेरे अनुसार कि संसार में घृणा बहुत ज़्यादा है. आज मानव जाति एक दूसरे को पसंद नहीं करती. एक दूसरे देश में देखा होगा हर जगह आतंकवाद. तो ये घृणा जो नफरत है वो संसार को ख़त्म कर देगी. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन विनाश होना. आइस इज आल्सो ग्रेट कवि के अनुसार यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये संसार नहीं बचेगा. और कोरोना वायरस COVID-19 भी तीसरे विश्व युद्ध का आगमन है. और आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी एक बीमारी जो सामने दिखाई नहीं दे रही और कितने लोग मरे जा रहे हैं. तो दो वर्ल्ड वार हथियारों से हुआ, तीसरा वर्ल्ड वार इसी प्रकार जो हो रहा है उसी के बारे में ये पोएम बताती है. एंड वुड सूफिस और ये नफरत लोभ लालच संसार को समाप्त करने में काफ़ी होगा. लेकिन कवि को आशा है कि ये बहुत दूर की बात है. वर्षों वर्षों बाद ऐसा हो सकता है. तो हमें संसार को सही प्रकार से आज वर्तमान समय में एक जीने की कला, एक दूसरे को जानने की कला जो पिछले 1.5 महीने में पूरे संसार ने सीखी है वही कवि इस पोएम के द्वारा बताना चाहता है. नाउ यू हैव टू स्टंजाज एंड क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग द स्टंजाज फाइंड आउट फ्रॉम द स्टंजा एंड राइट एंड लर्न सेकंड पोएम फायर एंड आइस विद सेंट्रल आइडिया. थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन.